तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला क्वेश्चन, कार्बन क्यों और इसके ऊपर पूरा चैप्टर क्यों। जो कार्बन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है, जितने भी हम डेली लाइफ में जो भी मतलब डेली लाइफ में हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें से जो 90% जो मटेरियल कंपाउंड्स हैं वो किसके हैं, कार्बन के हैं। ठीक है, अगर कार्बन के इतने कंपाउंड है तो अलग से स्टडी तो बनती है। ठीक है, इसीलिए क्या है केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है वो हमारा कार्बन पे बेस्ड है और इसकी जो वेटेज भी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर वेटेज ज्यादा है तो इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आने हैं। तो आप पहले ये देख लेते हैं कि कार्बन कार्बन है क्या, कितना एटॉमिक नंबर है, उसे हम क्या है प्रॉपर्टी को हम ये हमको ये पता लग पाएगा कि आगे इसकी प्रॉपर्टी कैसे होने वाली है। ठीक है, अगर मैं वो कार्बन का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं भाई, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन देखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन होगा 2-4 का मतलब यह है कि जो लास्ट सेल है हमारा, इस लास्ट सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं और ये जो वैलेंस सेल है ना इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, तो ये इसका कुछ इंट्रो था। अब क्या होता है, अब हमें पता लग चुका है कि भाई जो कार्बन है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड कैसे बने, किस वजह से, तो वो क्या है, वो इस वजह से बने हैं क्योंकि जो कार्बन है ना कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर होता है। जैसे क्या है, कोई भी लड़का है या कोई लड़की है तो उसके क्या है ज्यादा दोस्त कब बनते हैं, जब उसका नेचर कैसा होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है, सबके साथ बढ़िया से रहता है तो क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है दोस्त बना सकता है। ऐसे क्या है कार्बन की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे दोस्त बना सकता है। ठीक है, तो वो बहुत सारे दोस्त क्यों बना सकता है, तो उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी इस वजह से। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी है उसके बारे में पेपर में हमेशा पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि जो कार्बन है ना कार्बन का जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, कार्बन का कौन सा नेचर वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, या फिर पूछेगा कि कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है तो उसके पीछे क्या है कुछ रीजन है, तो वो हम रीजन यहां पर पढ़ लेंगे और जैसे पढ़ेंगे तो फटाफट से हो जाएगा भाई फिनिश। ठीक है, तो पहला रीजन है टेट्रावेलेंसी। ठीक है, अब टेट्रावेलेंसी क्या है, तो मैं टेट्रावेलेंसी को लिख रहा हूं कि 4 वैलेंसी, कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी। ठीक है, तो वो हमने यहां पढ़ ली है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं ना आपको तो किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है वो कितनी होती है, 4 ही होती है। यानी मैक्सिमम 4 अलग अलग एटम को कंबाइन कर सकता है कोई भी क्या है हमारा जो एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, अब अगर ये मैक्सिमम अपने साथ ज्वाइन कर सकता है तो मतलब यार ये अच्छे ज्यादा दोस्त बना सकता है। अगर ये अपने अपने साथ मैक्सिमम को ज्वाइन कर सकता है तो इसका मतलब ये दोस्त भी क्या कर सकता है, ज्यादा बना सकता है, यानी कंपाउंड ज्यादा बनाएगा। ठीक है, तो पहला रीजन हमको पता लग गया है कि पहला रीजन है भाई वर्सेटाइल नेचर का, वो क्या है कि ये क्या है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी। टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये 4 एटम को कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो अब जो सेकेंड रीजन है वो क्या है, वो हम पढ़ते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो ये क्या है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है ना वो अपने जैसे ही कार्बन एटम के साथ क्या है बहुत लंबी चेन बना सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई अगर ये अपने जैसे के साथ लंबी चेन बना रहे तो ज्यादा कंपाउंड कैसे बना लेगा, तो कैसे बना लेगा वो देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 2 ही कार्बन कंपाउंड कनेक्टेड हैं और इस तरीके से इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगा कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H6। ठीक है, अब क्या है इसमें कैपेबिलिटी ये भी है कि ये क्या है सिर्फ 2 के साथ ही नहीं 3 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो अगर 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इसका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C3H8। तो ये अलग टाइप का कंपाउंड हो गया, ये अलग टाइप का हो गया, है ना, वेराइटी आ गई ना। अब ऐसी क्या है, अगर क्या है सपोज क्या है 4 एटम जो 4 जो कार्बन एटम है वो इस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं तो इसका फॉर्मूला अलग बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4H10। तो ये वाला कंपाउंड अलग, ये वाला कंपाउंड अलग, ये वाला कंपाउंड अलग। तो जैसे जैसे जितनी ज्यादा लंबी चेन बनती रहेगी कार्बन की उतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये क्या करता है जो कार्बन होता है वो क्या है अपने जैसे के साथ बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। तो इस वजह से क्या है ये क्या है भाई बहुत अलग अलग वेराइटी के क्या है कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी है ड्यू टू स्मॉलर साइज।
अब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं कि स्मॉल साइज का क्या असर पड़ता है, ठीक है, क्यों स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो इसका जो नेचर है वो वर्सेटाइल हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो स्मॉलर साइज होता है वो स्टेबिलिटी, मतलब कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके जो कंपाउंड है उनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, स्मॉलर साइज, क्योंकि जब किसी एलिमेंट का साइज स्मॉलर होता है तो जब भी वो क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे क्या है, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन, ठीक है, वो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, इस तरीके से कुछ बनाएगा, ठीक है, तो इसका साइज जितना छोटा होगा उतना ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बस हम इसको इतना समझ लें, नहीं तो क्या है ज्यादा डीप में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है स्मॉलर साइज की वजह से क्या होता है, जो कार्बन के जो कंपाउंड है वो क्या है, स्टेबल होते हैं, उनके बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो तीन रीजन हमने कौन कौन से पढ़े, तो अगर आपको कोई पूछ ले कि वर्सेटाइल नेचर क्यों भाई, तो वर्सेटाइल नेचर क्यों, क्योंकि क्या है उसकी क्या है, टेट्रावेलेंसी है, मतलब चार वैलेंसी है, ठीक है। कैटिनेशन, कैटिनेशन जो होती है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन होती है, यानी अपने जैसे कार्बन एटम के साथ वो जुड़ सकता है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है ड्यू टू स्मॉलर साइज, तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है और उसका जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो है भाई क्या, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब भाई ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो नंबर में आ जाता है कि ये भाई मुझे बताओ कि जो कार्बन है ना उसके एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो पहले तो बात ये आती है कि एलोट्रॉप होते क्या हैं, एलोट्रॉप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो क्या है डिफरेंट डिफरेंट फिजिक, मतलब जो ऐसे सेम है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट टाइप के फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के फिजिकल फॉर्म का मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग, मतलब कि ये ना अर्थ क्रस्ट में ना तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, तीन अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो तीन फिजिकल फॉर्म कौन कौन सी है, पहली है ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा है डायमंड, ठीक है, और तीसरा है फुलरेन, ठीक है। अब बेसिकली ये जान पहले यहां पर लिख लेता हूं ग्रेफाइट, और इधर अपन लिख लेते हैं डायमंड, ठीक है, और ये है फुलरेन। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड पर्पस से, ठीक है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, एक एक नंबर के बन सकते हैं, दो के भी, और बड़े तो क्वेश्चन बनते ही, ठीक है, वो भी बता लेंगे बड़े कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या है, मतलब है तो कार्बन ही है, तो कार्बन ही, जो मतलब कार्बन अर्थ क्रस्ट में तीन फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, एक तो ग्रेफाइट हो गया, दूसरा डायमंड और तीसरा फुलरेन। अब भाई क्या है ग्रेफाइट कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, बस ना स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना कार्बन, उसकी वजह से ये क्या है अलग अलग हमारे क्या हो जाते हैं फिजिकल स्टेट हो जाती है। तो जो कार्बन होता है ग्रेफाइट में वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ रिंग्स टाइप भी बनाता है। अगर मैं कहूं कि भाई ये क्या है, ये चल क्या रहा है, तो मैं यहां पे कहूंगा कि ये ना इस पॉइंट पर कार्बन है, इस पॉइंट पे भी कार्बन है, इस पॉइंट पे भी कार्बन है, इस पॉइंट पे भी कार्बन है, इधर इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर 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 इधर, ठीक है, ये कार्बन है। तो इसमें इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, जो कार्बन होता है ना वो अलग अलग क्या है लेयर्स के फॉर्म में कनेक्टेड होता है, और इनके बीच में जो अलग अलग लेयर है ना, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है, वीक वैंडरवाल फोर्स। अच्छा ये समझने की जरूरत नहीं कि वीक वैंडरवाल फोर्स क्या होता है भाई, मतलब ये वीक फोर्स है जो क्या कर रहा है, एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ग्रेफाइट होता है उसकी प्रॉपर्टी इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर पहले अगर मैं देखूं तो कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। तो अगर मैं यहां इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये जो ये वाला कार्बन, ये वाला, तो ये वाला कार्बन क्या है, कितना कितने के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो एक इसके साथ कर रहा है, एक इसके साथ कर रहा है, एक इसके साथ कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक दो तीन, जबकि इसकी वैलेंसी है चार, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रह जाता है। ऐसे क्या होता है, हर सारे कार्बन क्या होते हैं इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे करके रिंग्स बनती रहती है।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इस वजह से क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो एज अ कंडक्टर यूज होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, एज अ कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। यानी कि ग्रेफाइट में से, ग्रेफाइट एक पहली नॉन मेटालिक फॉर्म है जो क्या है, जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कंडक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कैरी करता है। इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन, ग्रेफाइट। अब हम पढ़ गया है ग्रेफाइट डायमंड फ्लोरिन है क्या, तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। किस, कौन सी फॉर्म है, एलोट्रॉपिक। एलोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसमें, अर्थ क्रस्ट में। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो तीन फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरिन, ठीक है। अब यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये समझ आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी जो लेयर होती है ना, बहुत ही वीक फोर्स से क्या होती है, होल्ड की जाती है। तो क्या होता है कि जो एक लेयर है दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है, तो एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है तो हम कहते हैं कि इसी वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट में स्लिपरी प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, स्लिपरी। तो अगर हमें क्या है, कोई भी स्लिपरी प्रोडक्ट बनाना है, मतलब कहीं पर भी हमको क्या है, कम फ्रिक्शन चाहिए, तो वहां पर क्या है, ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं। जैसे क्या है, मशीन पार्ट में, ठीक है, जहां पर फ्रिक्शन बहुत आता है वहां पर हम एज अ ग्रेफाइट, जैसे ग्रीस भी यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट क्या करेगा, फ्रिक्शन कम कर देता है, क्योंकि इसमें स्लिपरी प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। फिर आता है डायमंड। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मतलब डायमंड में क्या होता है कि जो एक एक कार्बन होता है वो चार कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, एक दो तीन चार, यहां पे कुछ एंगल होता है, उसको टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की वजह से, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या होता है, जो डायमंड होता है वो बहुत, वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये ना नेचर में प्रेजेंट होने, प्रेजेंट हार्डेस्ट सब्सटेंस है कौन, डायमंड, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है भाई, अगर मैं यहां पर देखूं तो कार्बन जो है, कार्बन कितनों के साथ शेयर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दो तीन चार, चार के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार के साथ शेयर कर रहा है, और इसकी कितनी, इसकी जो वैलेंसी है वो भी चार होती है, तो जिसकी वजह से क्या है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात आती है फुलरिन की, ये जो फिजिकल फॉर्म है ना, ये सिंथेटिक है, ये क्या है, ये मैन मेड है, मतलब क्या है, ये लेबोरेटरी में बनाई गई थी, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम फुलरिन था, उन्होंने क्या किया भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कार्बन को अलग अलग फॉर्म में ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग फॉर्म में ज्वाइन किया, और उनको, उनके पास एक स्ट्रक्चर आया, और वो स्ट्रक्चर आया कुछ ऐसा करके, कुछ जैसा फुटबॉल का देखा होगा आपने, ऐसा जो भी है डायग्राम तो बन नहीं रहा मेरे से, ऐसे फुटबॉल का जो जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से क्या है, फुलरिन भी क्या है, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है फुलरिन का, ठीक है। और इसको, इसमें जो सबसे पहले जो बनाया गया वो C60 फुलरिन बनाया गया, यानी कार्बन 60, कार्बन के उसमें कितने एटम थे, 60 एटम थे, और 60 एटम से ना क्या है, फुटबॉल बॉल टाइप की बन गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा क्या है, अब पूछा नहीं जाता कि क्या प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो फुलरिन है भाई वो क्या है, ये क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। तो आज ये थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं वीडियो, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।